सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, यूट्यूब पे प्रेजेंट टाइम पे अगर अपने चैनल को ग्रो करने की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड टास्क हो चुका है एक चैनल को ग्रो करने के लिए। तो ऐसे में अगर आप सोच रहे हो कि नए चैनल को क्रिएट करना, तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए अंतिम जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में ऐसे एक टॉपिक के बारे में शेयर करने वाले, ऐसे कंटेंट के बारे में शेयर करने वाले जिस पे अगर आप यूट्यूब पे एक मंथ अच्छे तरीके से काम कर लेते हो तो आपका चैनल का जो ग्रोथ है वो आप खुद ही नहीं सोच पाओगे, इतनी तेज़ी से आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को ध्यान में रख के अपने चैनल को काम करना है। कुछ चीज़ें हैं जो कि आज की इस वीडियो में शेयर करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो शेयर करने वाले। और इस साइड पर पहले प्रूफ देख लो, इस चैनल पर आप लोग देखो कितने कम वीडियोज़ पे कितना ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और कितना ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन किया है। ओके, और दोस्तों इस तरीके के जो स्पिरिचुअल चैनल होते हैं उस पर काफ़ी अच्छा खासा व्यूज़ भी आता है, और अगर आप सही ढंग से काम करते हो तो आपके चैनल पे कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, और अगर सही तरीके से काम करते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा और अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखना पड़ेगा। वीडियो अगर पसंद है तो मुझे इसको लाइक कर देना पड़ेगा, और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। बस इतना सा आपको काम करना है, और जिन जिन बातों को मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, सारी सारी बातों को ध्यान में रख के अपनी वीडियोज़ को क्रिएट करना और चैनल पर अपलोड कर देना। बस इतना सा काम आपको करना है, तो देखिएगा अपना चैनल कितना तेज़ी से ग्रो हो रहा है और तेज़ी से अपना चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। যদি কোনো ঘটনায় মানুষ ভয়প্রাপ্ত, তবে তার পরাজয় হয়। আর যেসব হারিয়ে শান্ত আর একাগ্র থাকে, আসলে বাস্তবে সেই জয়ী হয়। इस तरीके का आपको वीडियोस क्रिएट करना है, और दोस्तों इस तरीके के वीडियोस पे आपको यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे तो लाखों वीडियोस मिल जाएंगे जिस पे आपको लाखों या हज़ारों में व्यूज़ आते हैं। ओके, तो इस तरीके की वीडियोस का जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको इस तरीके की वीडियोस को क्रिएट करना चाहिए अभी के टाइम पर। ओके, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप इस तरीके की वीडियोज़ को क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले इस तरीके की वीडियोज़ क्रिएट करने के लिए सबसे पहला जो है कृष्ण जी का जो इमेज है उसे आपको डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है, इस जगह पर आपको सर्च करना है कृष्ण इमेज। ओके, एवरी कृष्ण एच डी इमेज, इस पर सर्च करने के बाद आपके सामने बहुत सारे वेबसाइट ओपन जाता है, लेकिन आपको क्या करना होगा, जो इमेज वाला सेक्शन है उस पर क्लिक करना है, और आपको जो भी इमेज डाउनलोड करना चाहते हो उस इमेज को आपको डाउनलोड करना है। इमेज डाउनलोड हो गया, उसके बाद जो कृष्ण जी का उपदेश होता है, जो वाणी है, उसे आपको डाउनलोड करना है, यानी उसे आपको कॉपी करना है। तो उसके लिए सेम तरीके से गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आपको सर्च करना है जी कृष्ण जी का वाणी या फिर कोट्स या फिर उपदेश। ओके, तो आपके सामने ढेरों सारे वेबसाइट ओपन हो जाए, किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी आपको पसंद आता है उसे आपको कॉपी करना है। उसके बाद आपके सामने कोट्स हो गया, इमेज हो गया, उसके बाद किस तरीके से इसे एडिट करना है, तो किस तरीके से एडिट करना है, एडिट के लिए आप कैनवा स्ट्राइक यूज़ कर सकते हो, पावर डायरेक्टर की यूज़ कर सकते हो। और मैं जिस तरीके से एडिट करता हूँ, मैं कैनवा स्ट्राइक यूज़ करता हूँ एडिट करने के लिए। तो किस तरीके से एडिट करता है, तो चलिए उसके लिए चलते हैं अपने कैनवा स्ट्राइक के अंदर। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के जो कैनवा स्ट्राइक एप्लीकेशन है उसे आपको ओपन करना है। तो कैनवा स्ट्राइक एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है, ब्लैक बैकग्राउंड या फिर आप कोई भी इमेज ले सकते हो जिस पे आपको टेक्स्ट को आपको लिखना है। ओके, तो मैं इस जगह पे एग्जांपल के लिए ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जितना ज़्यादा आपने वीडियो को लेंथ रखना चाहते हो उसके हिसाब से आपको बैकग्राउंड को आप पहले से एडजस्ट कर लेना है। ओके, तो सबसे पहले उसके बाद आपको इस जगह पर जो कृष्ण जी का जो इमेज हमने डाउनलोड करके रखा है उसको आपको इस जगह पर ऐड करना है। तो उसके लिए लेयर पे जाना है, उसके बाद मीडिया पे जाना है, उसके बाद आपने जिस जगह पे उस इमेज को डाउनलोड करके रखा है उसका आपको इस जगह पे ऐड करना है, और कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके इस जगह आपको सेट कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके, उसके बाद अपना जो कृष्ण जी का इमेज का जो लेयर है उसे भी आपको अपने जो ब्लैक बैकग्राउंड के हिसाब से इस जगह पर सेट कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके, इस तरीके से सेट हो जाने के बाद आपने जिस जगह से कृष्ण जी का जो वाणी है उसे आपने कॉपी किया था उसे आपको इस जगह पे कॉपी करके इस जगह पे पेस्ट करना है टेक्स्ट के जरिए। ओके, तो उसके लिए लेयर पे चलते हैं, उसके बाद आपको टेक्स्ट पे चलते हैं, उसके बाद आपने जिस वाणी को कॉपी किया था इस जगह पे उसे पेस्ट कर देना है। तो चलिए मैं इस जगह पर उसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इस जगह पर जितने भी गैप रहेगा उसे आपको डिलीट कर देना है। तो मैं इस जगह पर ओके पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस जगह पर जो बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है उसे हम इस जगह पे डिलीट कर देंगे। ओके, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, उसके बाद आप इस जगह पे जो टेक्स्ट का फॉन्ट है उसे आपको चेंज करना है। तो टेक्स्ट का फॉन्ट को चेंज करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, टेक्स्ट के सेक्शन में क्लिक करना है और जो फॉन्ट वाला सेक्शन है इस पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपको जो भी फॉन्ट आप चूज़ करना चाहते हो उस फॉन्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। उसके बाद अपना जो टेक्स्ट का लेंथ है आपको क्या करना होगा, एकदम से लास्ट तक आपको ले जाना है। क्यों ले जाना है मैं आपको बाद में बताता हूँ। ओके, तो
तो इस तरीके से ले जाने के बाद आपको इस जगह पे टेक्स्ट पे एनिमेशन ऐड करना है। तो उसके लिए इन एनिमेशन पे चलते हैं और इस जगह पे फेड को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसका जो टाइम का ड्यूरेशन आप कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने लेंथ के हिसाब से, वीडियो के लेंथ के हिसाब से। ओके, इस जगह पे आपने इन एनिमेशन हो जाने के बाद आउट एनिमेशन पे भी फेड पे आपको सिलेक्ट कर देना और इसको वन पे सिलेक्ट करना है। ओके, इस जगह पे आपने जो टेक्स्ट है, पहला टेक्स्ट है, वो तो रेडी हो चुका है। तो मैं आपको सबसे पहले प्ले करके दिखा देता हूँ। तो टेक्स्ट जो है वो कुछ इस तरीके से प्ले होता है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा जो टेक्स्ट है इस पर आपको वॉइस ओवर करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इस पर वॉइस ओवर को कर लेते हैं। तो हमारा जो वॉइस ओवर है वो तो कंप्लीट हो चुका है। तो आपने वॉइस ओवर करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले आपको जो रिकॉर्डिंग यानी माइक का साइन दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आप इसे बैक कर देता हूँ। उसके बाद हमारा जो वॉइस है वो कुछ इस तरीके से सुनाई देगा, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। तो हमारा जो वॉइस है वो जिस जगह पे एंड हो जाता है उस जगह पे आपको क्या करना होगा, जो टेक्स्ट है उसे आपको स्प्लिट कर देना है। ओके, यानी कि बीच में ट्रिम करना है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट कोड रहेगा यानी कि जो नेक्स्ट आपका क्या कहते हैं जो आने रहेगा, उसे आपको एडिट करने के लिए सिंपली एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद मान लीजिए जिसको भी आपने कॉपी किया है। ओके, तो मैं आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ। उसके बाद मान लीजिए मैंने इस जगह पे इस टेक्स्ट को कॉपी करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को ऊपर क्लिक करके रखेंगे और इस जगह पे जो टेक्स्ट है इसे हम कॉपी कर लेंगे। तो सबसे पहले इस जगह पे टेक्स्ट को ऊपर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो इस जगह पे टेक्स्ट को ऊपर क्लिक करते रहते हैं और इस जगह पे टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो टेक्स्ट कॉपी हो जाने के बाद हम फिर से जाएंगे काइनमास्टर के अंदर। काइनमास्टर के अंदर जाने के बाद जो टेक्स्ट था हमारा उसे हम डिलीट कर देंगे और उसके सिलेक्ट करके पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जितना भी जगह का स्पेस रहेगा उसे हम डिलीट कर देते हैं और अपना जो मेन टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, तो इस तरीके से हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, जो अपना जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और आपको इस टेक्स्ट पे भी वॉइस ओवर करना है। ओके, तो इस तरीके से आपको वन बाय वन करके टेक्स्ट को ऐड करते जाना है और अपना जो वॉइस ओवर है उसे आपको करते जाना है। ओके, तो इस तरीके से हो जाने के बाद इस पर आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो और अपने जो वीडियोस है वो इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आपको सेव करने के लिए सेव पे क्लिक कर देना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और इस जगह जो रिजोल्यूशन आप रखना चाहते हो उसे आपको सेट करके सेव एज वीडियो पे क्लिक कर देना है। तो इतनी आसानी से आप इस तरीके की वीडियो को क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस सिंपल स्टेप को फॉलो करके आप भी इस तरीके के चैनल को क्रिएट कर सकते हो, वीडियो को क्रिएट कर सकते हो और अपने चैनल को तेज़ी से ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा उनके जरूर बताना, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि इस तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। अभी तक हम इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम 90 पर बरूम डिस्क्रिप्शन में सबको लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर फॉलो कर लेना। तो चलिए मिलते हैं साथ, तब देख लिए अच्छे रहे।